कचरे की सफाई से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं, ये ठीक नहीं हो सका। ओ जरा देखो, पहले चमकाओ, कम मत चमकाना कन खजूरा। कचरा पट्टी साफ, बिल्कुल ठीक। अग्रभाग को जलाकर राख करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकेगा। सबका व्यापार है, वो किसी का व्यापार नहीं। बहुत ही होशियार और मजेदार। बहुत बहुत मजेदार कहानी है दरू, मतलब जो भी हो। अब हमें तुम कोई लतीफा सुनाओ ना। मैं तो एक मामूली सौदागर हूँ, कोई मस्करा नहीं। शायद हमारा नौजवान दोस्त अलादीन हमें उसकी चुटकुले सुना सके। मेरे लतीफे पहले ही किसी जोकर के मुंह से आप लोग सुन चुके हैं। ओह कबाड़ा। मगर जोकर अक्सर अकलमंद होते हैं। बेवकूफ लोग भी अगर चुप रहे तो अकलमंद समझे जाते हैं। सही जा रहे लायल, लगता है तेरी आखिरी बात का मतलब कोई भी नहीं समझा। जैसमिन, मेरे बाल, मेरे बाल। तुम्हें जीने की कोई फिक्र नहीं, उसे लौट आना चाहिए था अभी तक। उसे खोजने कालीन को भेजता हूँ। हम सब जाएंगे। जैस्मिन, बेवकूफ लोग भागते फिर। तो फिर हम बेवकूफी से। पहली बार इन लोगों ने अपन को लफड़े में नहीं घसीटा। पानी है? ओह कितना अजीब, ये तो कांच है। कितना बड़ा कन खजूरा है। लोग पूछेंगे क्यों लगाया है जाल। और जाल खरीदो। कहाँ है मेरा जीनी? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। ओहायली, फंस गया दिल पर जीनी। वाह अच्छे बाल, बहुत सब। ये कैसे बचा लेते हो तुम इन्हें बिखरने से? उनकी गलती है कि तुमने मेरी बात सुनी। बहुत अच्छा किया यहाँ मिलने चले आए। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरी स्त्री करने से बुरा नहीं मानोगे। मुझे इस अपना कपड़ी वाली दुनिया में अपना प्लान लागू करके इस बात करना है। हुकूमत नहीं, हमारे मेहमान बनो। मुझे नहीं पसंद सिलवट खड्डे जैसी चीजें। तुम्हें है यहाँ तो कितने, इनसे मुझे बहुत घबराहट होती है। तुम जानते हो शीशा कैसे बनाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। रेत, पिघली रेत। शीशा पसंद है जो एकदम चिकना चपटा, न खड्डा न सुकड़न। सोचो तुम्हारे पास एक मशीन हो जो सारे रेगिस्तान को पिघला के चिकना चपटा कांच बना दे। आप उनको ठीक समझाओ, तुम पूरे रेगिस्तान पे इस्त्री फिराओगे? दुरुस्त, हाँ बिल्कुल चलेगा। हाँ वाह वाह वाह, देख लो। काश उन लोग के पास ऐसी चीज होती। मैं दरू कैसे दिखाने के लिए बेचैन हूँ। दरू, दरू ताहवली वो सौदागर? उसे जानते हो, बढ़िया आदमी है, बहुत सभ्य सुंदर बाल। वही है वो सौदागर जिसने मुझे ये मशीन बनाने के लिए लोहा बेचा। वैसे वो मेरे अग्रभा को मिटाने के प्लान से खुश नहीं था, मगर उसने सौदे में बहुत नोट कमाए। दरू अग्रभा बेचकर अमीर बना, वो भेड़िया। पर सोचो उसने कितने लोगों को नौकरी दी। कोई कुछ बोला? अपन कुछ बोला जवाब? ओ मैकेनिकल्स, मैं ये सोच रहा था कि तुमने जहाज को